गौरव कुमार, डीडी न्यूज, इंदौर। आज हमारे बीच ऐसे भी युवा हैं जो त्याग, समर्पण और लगन से अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनकर सामने हैं। ऐसे ही एक एथलीट हैं महाराष्ट्र की वेटलिफ्टर आकांक्षा व्यवहारे। आइए देखते हैं कि कैसी रही उनकी सफलता की कहानी। आंखों में आगे बढ़ने की ललक और कामयाबी की पहचान, पीले तमगे की चमक लिए ये हैं महाराष्ट्र की आकांक्षा व्यवहारे, जिन्होंने अपने पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 45 किलो वर्ग में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए गोल्ड मेडल जीता। आकांक्षा व्यवहारे की उम्र सिर्फ 14 साल है, लेकिन हौसला इतना बड़ा है कि उसके आगे खड़ी मुश्किलें दब जाती हैं। अपनी वेट कैटेगरी में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड नाम करने के बाद टॉप डेवलपमेंट लिस्ट में इस एथलीट का नाम दर्ज है, जिसे आकांक्षा इन शब्दों के साथ सामने रखती है। ये लास्ट खेलो इंडिया में खेल नहीं पाई थी, वर्ल्ड के लिए जाने वाली थी, तो पर इस बार मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फर्स्ट खेलो इंडिया में जाना है, वहाँ का स्टेज देखूंगी और कम्पीट करूंगी और स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगी खुद का। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया और उससे मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कर सकती हूँ। और मैं जब भी ये मेडल हाथ में लिया, मुझे बहुत खुशी कि खेलो इंडिया का फर्स्ट मेडल, फर्स्ट कॉम्पिटिशन में मेरे हाथ में आया गोल्ड मेडल। देश की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की राह पर चलने की इच्छा रखने वाली आकांक्षा मनमाड़ में अभ्यास करती हैं। इस सब के बीच इस खिलाड़ी को अपने परिवार से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। When she was 6 years old, I put her in yoga. उसको योगा करने के लिए हमने डाल दिया था और योगा करते करते फिर वो एक टाइम योगा और एक टाइम वेट लिफ्टिंग के लिए मेरे साथ आती थी। और योगा में क्या हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट गए, स्टेट से नेशनल में सिलेक्शन नहीं कर पाई, क्योंकि आधा आधा पॉइंट से योगा में मार्क्स कटते हैं। तो इसलिए फिर एक टाइम हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग चालू कर दिया। तो वेट लिफ्टिंग करने से फिर उसका थोड़ा थोड़ा आगे डेवलपमेंट होता चला गया। और एक महाराष्ट्र में अंडर 12 और अंडर 14 का एक कॉम्पिटिशन हुआ था, तो उसमें अंडर 12 और 14 में उसने गोल्ड मेडल जीता था। और जब से फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ गया और फिर वो वहाँ से शुरू हो गए। मार्च 2022 में ओडिशा नेशनल्स में हिस्सा लिया और 40 किलो कैटेगरी में 6 रिकॉर्ड बनाए और गोल्ड जीता। अगस्त 2022 में पटियाला में आयोजित नेशनल्स में 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। तो महज 14 साल की उम्र में जिस तरह से आकांक्षा व्यवहारे ने अपनी आकांक्षाओं को नया रूप दिया है और अपने हर बढ़ते कदम को स्वर्ण पदक से सजा दिया है, वो इस बात का सबूत है कि ये एथलीट अगर अपने इसी परफॉर्मेंस पर बरकरार रहती है तो जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा सीनियर लेवल पर जमकर मनवाएगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, इंदौर। युवा भारोत्तोलक आकांक्षा व्यवहारे का सपना है कि वे अपनी आदर्श मीराबाई चानू की तरह देश के लिए ओलंपिक में पदक जीते। आकांक्षा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर खुशी जताई। वहीं उन्होंने कहा कि टॉप स्कीम से उनके जैसे खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिल रहा है। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है आकांक्षा व्यवहारे। महाराष्ट्र की वेटलिफ्टर है जिन्होंने एक बार फिर से अपनी काबिलियत को साबित किया है। क्या कहेंगी अपने इस सफलता के बारे में, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स और गोल्ड मेडल? सर मींस मैं 40 में खेलती थी, मेरे 40 केजी कैटेगरी में 60 स्नैच का रिकॉर्ड है और 71 केजी क्लीन एंड जर्क का रिकॉर्ड है और टोटल में 131 केजी का रिकॉर्ड है। 40 में कम्पीट अच्छा करने के बाद इंटरनेशनल दो खेली मैं, यूथ वर्ल्ड और एशियन यूथ चैंपियनशिप। उसमें मेरा यूथ वर्ल्ड में सिल्वर मेडल रहा ओवरऑल, स्नैच में गोल्ड, क्लीन एंड जर्क में ब्रॉन्ज और एशियन यूथ चैंपियनशिप में मेरा ओवरऑल ब्रॉन्ज मेडल था। खेलो इंडिया में खेलने के लिए आए क्योंकि फर्स्ट खेलो इंडिया था, कोई प्रेशर था या लग रहा था कि यहाँ पे भी आपके लिए जो चीज़ें रहेंगी वो बहुत ईजी रहेंगी? नहीं, थोड़ा प्रेशर था क्योंकि फर्स्ट खेलो इंडिया थी और कैटेगरी चेंज की थी, 40 से 45 में कम्पीट करना था, बहुत फाइट थी और एक ही कंसंट्रेशन था कि मैं कैसे भी करके कम्पीट करना है, मुझे गोल्ड के लिए फाइट करनी है। पहले तो सोचा था कि अच्छे से करना है, फिर जब फाइट बढ़ी तो सोचा कि कर सकती हूँ मैं गोल्ड के लिए फाइट, फिर मैंने गोल्ड के लिए फाइट की और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फर्स्ट खेलो इंडिया में मेरे गोल्ड मिला, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप टॉप स्कीम में भी हैं तो इसका कितना फ़ायदा मिला है? टॉप स्कीम में मतलब डाइट के लिए बहुत एडवांटेज होता है और बहुत हेल्प मिलती है, जो हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है उससे
बहुत हेल्प मिलती है और सभी चीजों में टॉप्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी। आप जाहिर तौर पर जैसा कि आपने कहा कि मीराबाई चानू को आप फॉलो कर रही हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ से चीजें क्या क्या चीजें बदलेंगी जब आप इससे आगे के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगी? इससे आगे मतलब मैं हिस्सा लूंगी तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, स्टेज डेयरिंग बढ़ती है और अच्छा मतलब ऐसा कम्पीट करने का भी मन होता है, फाइट करनी है, मेडल जीतना है, उनसे मिलने का चांस मिलता है कि उनसे बात करने का बहुत अच्छा लगता है और इससे आगे भी मुझे बहुत मेहनत करके कम्पीट करना है सबको। चलिए, आपने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है आकांक्षा व्यवहारे, युवा ऊर्जा से भरपूर है और उनके अंदर जो एक तमन्ना है वो इसी बात की है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पर इस स्तर पर दिखाया है उसी परफॉर्मेंस को वो आगे अपने सीनियर स्तर पर भी कायम रखे। कैमरामैन शिवम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज इंदौर। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे